देखिए हमने बात की थी अफर्मेटिव की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव की, अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मैं पहले लिखवा चुका हूँ, बस एक बार और यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो सब्जेक्ट लगाते हैं हम, प्लस वॉज नोट या वर्ब नोट का यूज करते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मैं नहीं सो रहा था। ठीक है, मैं नहीं सो रहा था, तो आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, वैसे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, मगर अब सब्जेक्ट यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में ही सिंगुलर के रूप में आता है। ठीक है, तो आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था। तुम दूध नहीं पी रहे थे, तो यू वर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। वे गाना नहीं गा रहे थे, तो दे वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। अब देखिए वर हमने यहाँ पे भी वर का यूज किया है, यहाँ पे भी वर का यूज किया है, यहाँ पर वॉज का यूज किया। हम कपड़े नहीं धो रहे थे, तो वी वर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है, हम कपड़े नहीं धो रहे थे। अब देखिए, वे बाजार नहीं जा रही थी, तो शी वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा रही थी। ये तो हमारे हुए अफर्मेटिव, सॉरी निगेटिव के हिंदी टू इंग्लिश। अब हम बात करते हैं निगेटिव के इंग्लिश टू हिंदी। द गार्डनर वॉज नॉट वॉटरिंग इन द फील्ड, गार्डनर बोलते हैं मालिक को, तो मालिक अब खेत आता है फील्ड के लिए, खेत लगाते हैं, खेत के लिए फील्ड लगाते हैं। ठीक है, तो गार्डनर वॉज नॉट वॉटरिंग इन द फील्ड, के माली खेत को पानी नहीं लगा रहा था। ठीक है, अच्छा माली, अब जो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फील्ड ना लिखकर प्लांट्स लिखते हैं, प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम खेत की जगह पौधों कर देंगे। ठीक है, देखिए अब ये ठीक है, द गार्डनर वॉज नॉट वॉटरिंग इन द प्लांट्स, के माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था, तो माली पौधों में पानी नहीं दे रहा था। ठीक है, द फार्मर्स वर नॉट, अब देखिए फार्मर अगर सिंगुलर होता तो हम यहाँ पे वॉज का यूज करते, अब ये प्लूरल है इसलिए हमने वॉज का यूज किया, वर का यूज किया। तो द फार्मर्स वर नॉट प्लॉगिंग द फील्ड, किसान खेत नहीं जोत रहे थे। अब देखिए, दे वर नॉट बाइंग मैंगोज, दे के लिए हम वे का यूज करते हैं, तो दे वर नॉट बाइंग मतलब खरीद रहा और उसमें आई एन जी लगा दिया, तो बाइंग। ठीक है, दे वर नॉट बाइंग मैंगोज, मतलब आम बहुत सारे खरीद रहे थे। ठीक है, अब तो देखिए ये है, वे आम नहीं खरीद रहे थे। द वुमेन, अब ये द वुमेन वर नॉट वॉशिंग द क्लॉथ, वुमेन हो गया हमारे प्लूरल होता है, देखिए वुमेन एक और होता है, तो एक औरत, और ह्यूमन मतलब बहुत सारी होते हैं, तो द वुमेन वर नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, के औरतें कपड़े नहीं धो रही थी। तो अब हमने अफर्मेटिव में, फर्स्ट पार्ट में हमने अफर्मेटिव की बात की थी, अब हमारा ये सेकंड पार्ट है जिसमें हमने निगेटिव की बात की है। अब हम अगले सेंटेंस की बात, अगले पार्ट में हम बात करेंगे थर्ड पार्ट में इंट्रोगेटिव की। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप लोग ज़रूर देखें और इससे बहुत कुछ सीखोगे आप लोग। ठीक है, तो हमारा ये जो हिंदी टू इंग्लिश भी है और इंग्लिश टू हिंदी भी है, ठीक है आप लोग देखें।